हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सैमसंग के जितने भी फ़ोन हैं उसमें जो सेफ मोड आ जाता है तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं, किस तरीके से हम कभी कभी क्या करते हैं, सेफ मोड आने से रीसेट कर देते हैं, फ्लैश कर देते हैं, सेटिंग में जाके पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, फिर भी वो जो सेफ मोड है नहीं जाता। और कभी कभी हम क्या करते हैं, पावर ऑन करने के बाद में ये बैक बटन को दबाते हैं, कभी इसको दबाते हैं, कभी होम बटन को भी प्रेस करते हैं, वॉल्यूम से भी प्रेस करते हैं, उससे भी जब ये ठीक नहीं होता तो मैं आपको आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ये सेफ मोड का जो प्रॉब्लम आता है वो जो होता है क्या, वॉल्यूम के बटन से ये प्रॉब्लम आता है। ओके, तो मैं आज आप लोगों को ईजी तरीके से सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि इसको करना कैसे है। तो जैसे मेरे ऑलरेडी जैसे मेरे यहाँ पे सेफ मोड आ चुका है, यहाँ तो पासवर्ड लॉक है, किसी कस्टमर का फ़ोन है मालूम नहीं, तो ये सेफ मोड आ चुका है, तो इसको हटाना कैसे। तो दोस्तों, हर सैमसंग मोबाइल यही बोल के नहीं कि यही मॉडल, सैमसंग जितना भी फ़ोन है जो उसका सेफ मोड आ जाएगा तो हम उसको हटा कैसे सकते हैं। तो अब इसमें चार्ज नहीं है तो मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा सेफ मोड, ठीक है, बैटरी थोड़ा लो है। तो दोस्तों, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, मैं ऑलरेडी इसका स्क्रू सभी खोल के रखा हूँ, ठीक है, जैसे वीडियो जैसे लंबा ना बने। मैं इसमें सिर्फ टच लगाने का प्रॉब्लम आया था, तो टच लगाने के बाद में जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये जो इसका जो सेफ मोड जो है वो ऑन हो चुका है। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ, शायद आप लोगों को कभी ये काम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेना, आपका अगर सैमसंग का फ़ोन रहेगा तो आपको उसको सेफ मोड का अगर वॉल्यूम बटन से, अगर ये इस बटन से, इससे अगर काम नहीं होता है तो लास्ट में आपको फ़ोन को ओपन करना ही पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये मेरा वॉल्यूम बटन है, ठीक है, इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे आता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसका कनेक्शन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका कनेक्शन है, जो आपको थ्री लेग दिख रहा है यहाँ पे इसका कनेक्शन है। तो जैसे मैं इसको थोड़े इसको ऊपर उठा लेता हूँ और अभी बैटरी लगाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। अभी देख सकते हैं कि मेरा बोर्ड जो है निकला हुआ है, ठीक है, वो कनेक्शन से निकला हुआ है। तो मैं देखता हूँ अभी जो मेरे जो सेफ मोड है वो जाता है कि नहीं। तो रुकिए, उसको मैं थोड़ा चार्ज पे भी लगा देता हूँ। आपको सिंपली उसका कनेक्शन को जो है निकाल देना है वन टाइम। आपका अगर शोल्डिंग का रहेगा तो आपको निकालना, अगर आपका बटन स्टिप रहेगा तो उस स्टिप को निकाल लेना है। कुछ भी होने से आपको क्या है, आपका वॉल्यूम स्टिप को एक बार रिमूव करना ही है, ठीक है। रिमूव जब तक नहीं करेंगे तब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो मैं ऑलरेडी कनेक्शन मेरा रिमूव ही है, ठीक है, यहाँ से देखो बोर्ड देख सकते हैं कितना खोल के रखा हूँ, यहाँ पर 3 लक्स का कनेक्शन है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे सेफ मोड आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं चाहती इसको लगा भी दूँ, फिटिंग भी कर दूँ तो वो नहीं आएगा। अब इस तरीके से जो सेफ मोड जो है आप उसको बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ भी आपको करने, वैसे सैमसंग का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोन के जो स्टिप रहते हैं वो स्टिप का जैसा सिस्टम रहता है, मतलब कुछ इस तरीके का रहता है। मैं बता दूं, इसमें ऐसे में भी आता है, कभी किसी किसी में सोल्डिंग भी आता है। तो सोल्डिंग आने से दोस्तों आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे जो बटन होते हैं ना, मैं आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ, अगर आपको कुछ आपके पास अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो ये बटन रहेगा, ये बटन के ऊपर में जो आपके प्लास्टिक दिख रहा है ना बटन का, ये देखो, आप इसको आराम से निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ से छेड़खानी नहीं करना है तो आप ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन कनेक्शन नीचे रहेगा, आपका सिर्फ प्लेट निकल जाएगा, तो आप प्लेट भी निकाल सकते हैं, इधर का भी। ये दोनों को एक बार निकालना है, मोबाइल को ऑन कर लेना है, सेफ मोड गया है कि नहीं देखना है, जैसे ही चला गया फिर से इसको लगा देना है, फिर से मोबाइल को पूरा फिटिंग कर लेना है। पूरा फिटिंग करने के बाद में आपको जो है सेफ मोड वो चला जाएगा 100% दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें, बनाते रहता हूँ। थैंक यू।